कंप्यूटर को हरा देती थी शकुंतला देवी, जिन पर फिल्म कर रही हैं विद्या बालन। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन देश की मैथ की वंडर वुमन कही जाने वाली शकुंतला देवी शकुंतला डीवी के ऊपर बनने वाली फिल्म में उनकी भूमिका अदा कर रही हैं। शकुंतला देश में मैथ की ऐसी जादूगरनी कही जाती थी जिन्हें कितना भी बड़ा कैलकुलेशन दे दिया जाए उसे वो सेकेंडों में इस तरह पलक झपटते करती थी कि लोग दंग रह जाते थे। इसी मैथिक सफर की भूमिका निभाने वाली विद्या ने फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है। शकुंतला देवी ने उस जमाने में मैथ की वंडर गर्ल के तौर पर तहलका मचाना शुरू किया था जब दुनिया में कंप्यूटर के बारे में कोई नहीं जानता था और ऐसे कैलकुलेटर भी तैयार नहीं हुए थे कि जो बड़ी से बड़ी संख्या का सेकेंडों में गुणा भाग घटाना या जोड़ना कर दें। लेकिन शकुंतला जब ये काम तुरंत जुबानी कर दिखाती थी तो लोग चकित रह जाते थे। किसी भी यांत्रिक सहायता के बिना जटिल गणितीय समस्याओं को सुलझाने वाली उनकी असाधारण प्रतिभा बचपन से ही सामने आने लगी थी। उन्हें ये प्रतिभा स्वाभाविक तौर पर हासिल हुई थी, इसीलिए जब कंप्यूटर का प्रचलन शुरू हुआ तो उन्हें मानव कंप्यूटर का नाम भी दे दिया गया। पिता सर्कस के कलाकार थे। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1939 को बेंगलुरु में हुआ था। शकुंतला के पिता एक सर्कस कलाकार थे। उन्होंने शकुंतला को ताश के पत्तों के जरिए गणित की दुनिया से रूबरू कराया। शकुंतला में बचपन से गजब की स्मरण शक्ति थी। 3 साल की कम उम्र में ही वो गणनाओं का प्रदर्शन करने लगी। उनकी इस क्षमता से लोग दंग रह जाते थे। उन्हें बचपन में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। ताश खेलते हुए उन्होंने कई बार अपने पिता को हराया। तब पिता को बेटी की इस क्षमता के बारे में पता चला। फिर पिता ने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया। इससे शकुंतला को लोकप्रियता मिलनी शुरू हो गई। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई जब बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक जटिल सवाल पूछा गया, उसका इन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया। इस घटना का सबसे मजेदार पक्ष यह था कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया था वे सही था जबकि रेडियो प्रस्तोता का जवाब गलत था। धीरे धीरे कुछ वर्षों में शकुंतला की स्मरण शक्ति और कैलकुलेटिंग स्किल मजबूत होते गए। वो जटिल मानसिक अंकगणित की विशेषज्ञ बन गई। उनकी असाधारण क्षमताओं और प्रतिभाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन मैसूर विश्वविद्यालय और अनामलाई विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, फिर दुनिया भर के संस्थानों में फैल गया। एक कुशल गणितज्ञ होने के साथ ही वो ज्योतिष शास्त्र की जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट और लेखक भी थी। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, परफेक्ट मर्डर और द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। शकुंतला देवी कैसी भी जटिल गणितीय समस्याओं को सुलझाने में निपुण थी। उनकी प्रतिभाओं में जटिल एल्गोरिथम, लॉजिक और वैदिक गणित के साथ जोड़, गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल की गणनाएं शामिल थीं। वो पिछली शताब्दी से पूछी गई तारीख के दिन और सप्ताह को बताने के लिए एक पल भी नहीं लेती थीं। शकुंतला देवी उस समय के कुछ सबसे तेज गति वाले कंप्यूटरों को भी हरा सकती थीं। शकुंतला की अनेक उपलब्धियों के बीच 1995 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम होना उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। शकुंतला देवी का विवाह वर्ष 1960 में कोलकाता के एक बंगाली IAS अधिकारी परितोष बनर्जी के साथ हुआ। इनका वैवाहिक संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल सका। किसी कारणवश वर्ष 1979 में वो पति से अलग हो गई। वर्ष 1980 में वो अपनी बेटी के साथ बेंगलुरु लौट आई। यहाँ वो सेलिब्रिटीज और राजनीतिज्ञों को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में शकुंतला बहुत कमजोर हो गई थीं। शकुंतला देवी का लंबी बीमारी के बाद हृदय गति रुक जाने और गुर्दे की समस्या के कारण 21 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु कर्नाटक में 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। जनवरी 1977 में दक्षिणी मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी डलास टेक्सास में शकुंतला देवी ने केवल 50 सेकेंड में संख्या 200 की 23वीं घात रूट 20123 का सही उत्तर 54,63,72,891 निकाल कर सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने 13,000 निर्देशों वाले उस समय के सबसे तेज कंप्यूटर यूनिवेक को भी अपने कौशल से मात दी थी जिसने यह गणना करने में 62 सेकेंड का समय लगाया था। 18 जून 1980 को शकुंतला देवी ने 13 अंकीय दो संख्याओं 76,86,36,97,74,870 तथा 24,65,09,45,779 का गुणा मानसिक रूप से करके अपनी प्रतिभा साबित कर दी। इसके लिए इन्हें लंदन के इंपीरियल कॉलेज के कंप्यूटर विभाग में चयनित किया गया था।
उन्होंने केवल 28 सेकेंड में इसका सही उत्तर 18,947 6,681 खरब 77 अरब 99 करोड़ 54,26,462 7,73,730 दिया था। डैश शकुंतला केवल एक मिनट के अंदर 33 करोड़ 28,12,557 का घनमूल बता सकती थी।